स्वागत है जी आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो के अंदर। तो कैसे हो आप लोग, आई होप से भी अच्छे हो गए सारे भाई और भाई, राम राम। तो काफी टाइम था वीडियो नहीं आ रही थी अपनी, और आज भाई मैं भी फिलहाल जिम में तो आया, अड्डे में हूँ और ईब जाऊंगे घर पे, और घर तक फिर सीधा जाऊंगे पंजाब पटियाला। काफी दिन हो गया यार पटियाले का चक्कर लगाया, और सामान अपने धो रहे यार, ट्रैक्टर काफी कम रह रहा मॉडिफिकेशन का भी, और टोचन टाचन वगैरह वगैरह लिया हुआ यार, फिर नुए टूटती फूट दी रहा हूँ, आप सभी ने पता यार तोड़ फोड़ कितनी हो अपने पास। कंटीन खड़ी करते घर आ, और एक भाई और आने लग रहा, वो भी चल लगा, और उसने थोड़ा सामान हले खाना, मैं घर आ जाएगा जूस जास पी लूँ, सेहत में कुछ फर्क लग रहा नहीं लग रहा, एक बने लग दो एक डेढ़ महीना और कुछ फिर लग जाएगा। बाकी मतलब जिम भी सूट कर गई, और हाथ आज यार हाथ की एक्सरसाइज करी थी, हाथ मैं हाथ मतलब फोन पकड़े जा रहे हाथ में ज्यादा वार तक हाथ दुखने लग गए, तो सीधा अपना घर जाकर मिलते हैं। हेलो फिर हो गए, तुम बीमार हो गई थी यार, बस मैंने जब वीडियो नहीं बनाते जब बीमार हो रही थी, बाकी ठीक हो गई बेचारी, बस बस अगर चल ठीक अपने काम नहीं लग गया। गुड मॉर्निंग टोचन किंग माय ब्रो, एंड आल्सो टू यू हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज पंजाब जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए क्या लेके आना है जल्दी जल्दी बता दो। अच्छा स्टेयरिंग साइलेंसर, और जो मन अच्छा लगा वो ले आऊँ, ठीक है। काफ़ी सामान लेकर आऊँगा आज, काफ़ी खर्चा करके आऊँगा, कह रहे मतलब शॉपिंग करके आऊँगे अपने लिए भी, हम तो यार अपने लिए इतनी कर देनी, ट्रैक्टर के लिए शॉपिंग कर दे रहे हैं सारी, और आज भी और दिन आई तेरी ट्रैक्टर के लिए ही शॉपिंग करेंगे। जूस जास पी गया, कपड़े कपड़े पैर काम हो गए रेडी, चार्जर भी ले लिया, जूते बदल लिए, चलो चलते हैं। मौसम देखो कितना सुहाना हो गया, सीसा हो रहा है तू, बारिश आ जाएगी भीतर, चलो बढ़िया है यार। ट्रैक्टर पर होंगे तो लैके जाओ, मेरा एक रेड बुल ले ली, थोड़ी लेज ले ली, करता रोटी नहीं खाएगा यार जी, मैं कहता भूख लग रही, एक दो लेज खाऊंगा, एक दो घूट पीऊंगा, ज्यादा नहीं पीना, फिर किसी ढाबे पर रुकेंगे। यूपी जानी है लाडले, पिज्जे के नाम पर पिज्जे की बेइज्जती है, पिज्जा खाओ भाई पिज्जा, खाना नहीं चंदा वैसे ना, बाबा की दया लेना चाहिए, बाबा की कहती लेना, रोटी नहीं मिल रही भाई। लो जी फाइनली पहुंच गए कबाड़ मार्केट में, देखो ये गाड़ी गाड़ी भी टूटी हुई, तो पहला तो हमने लेना बैरंग है 244 नंबर पे है, बैरिंग है बैरिंग, इनकी बैरिंग, तो बैरिंग ले ला पहला, तो क्या बैरिंग लेने या फिर टोचन टाचन लेने, स्टीयरिंग स्टीयरिंग पहला बैरिंग लेते हैं। रात तो भाई वीडियो बनाई नहीं, लेकिन घर पर पहुंच गए थे, और पटियाला तक क्या क्या हम सामान लेकर आए, ठीक है वो भी आप तक दिखाना रह रहा, वो मैंने यार वीडियो में दिखा नहीं, उठ जा पता है क्या चक्कर होया यार, जो मशीन के बैरिंग थे ना वो मिल नहीं रहे थे, और उनके चक्कर में इतने मतलब थक गए हम, इतने सांस चढ़ गए मारा है कि हम वीडियो बना ही नहीं पाए, और एक बार जाकर यार जिम जाम करके बाहर जाओ ना तो थकान और ज़्यादा हो जाए, फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता यार, एक मैंने व्लॉगिंग का इतना मतलब शौक भी थोड़ा कम है और नॉलेज भी कम है, तो व्लॉगिंग में क्या हुआ मतलब ऑलवेज कैमरा ऑन रखना पड़ा, फिर सारा दिन वीडियो बना के उसमें तो कुछ कुछ क्लिप छाट के फिर अपना वीडियो में डाल दो, तो वो मतलब बन गया व्लॉग अपना। नॉर्मली तो हमने इतनी जल्द पड़ती नहीं व्लॉग बनाने की अपनी वीडियो में ट्रैक्टर के ऊपर, तो बाकी टॉपिक पाते हैं, दिखाता हूँ आपसे भी था भाई जो चीज़ हम ले आए वो कहाँ पे है, वो रखी सामने आगे, मैं बार बार कैमरा करके आपको दिखाता हूँ। ये रही या नहीं, या तो मानो मेरी मानो, ठीक है बैठ जाओ, देखो भाई ये रे स्टेयरिंग सीट कवर डिपर, तो मैं आपको बता दूँ यू सामान अप्रोक्सीमेटली 20,000 के आसपास, 18-20,000 रुपये के आसपास है। स्टेयरिंग है, सीट कवर है, और भाई साइलेंसर है, टोचनर है अपने जो टूट गए थे, पीसीआर वाले लाइट है, कुछ टूल्स है, जो हमारे पास चाबी पाने थे वो भी हम ले आए, छांट कर लेकर आए, पूरा पूरा सेट नहीं लेकर आए। कितने रुपया सामान होगा यू, 1,000, 2,000, 5,000, 6,000, 10,000, 15,000, 20,000, तो एक बार बाहर तय दो बंदा ने बुला ला, उन्हें पूछे हैं कितने रुपया सामान होगा, और जो देखते हैं मतलब वो अप्रोक्सीमेटली रियल बता पाऊंगे या थोड़ा बहुत मतलब उसके आसपास ही बता देना तो भी ठीक है, तो एक बार उनकी नॉलेज टेस्ट करेंगे, मैं फिर बाहर तक बुला के लेकर आऊँ। कुछ सामान ले रखे भर नू देख के बताओ किस है, छोड़ देने छोड़ दे, ये सामान कितने रुपये तक का होगा, प्रॉपर बता, 24,000 रुपये तक का, ठीक है एक बार नू बता, चल थोड़ा थोड़ा बैठ के बता दे, यू टोचन कै रुपये का है बता कुछ तो आइडिया ला यार, तू गेट बंद करगा, गेट थोड़ा बहुत आइडिया ला, 3,000 रुपया टोचन। अच्छा साइलेंसर
साइलेंसर भी 2,500 रुपए का। 2,500 रुपया। तू कैलकुलेटर खोल फोन में भाई, कैलकुलेटर खोल, स्पीड में जोड़ा जा, स्पीड थोड़ा नहीं आता। टोज लेंदे एंड्रॉइड चला करते हम भी कौन चला दे। ये टोजन कितने है? 3,000 रुपया टोजन। 3,000 रुपया टोजन भाई। 2,000 रुपया साइलेंसर। 2,000 रुपया साइलेंसर। अच्छा बैठ जा नीचे। और यो भी टोचन है भाई। हां ये और बता। बोलो बोलो बोलो। 3,000 रुपया। 3,000 रुपया टोचन। 3,000 रुपया लिख भाई। लिख दिया। एक ये पीसीआर वाली लाइट है भाई, या बता एमआरपी देखना हमने बता दे। हां खोल कर देख ले। देख 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 देख। आहा बता 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 बता। 800 1,250,000 का स्प्रे यू मल्टीप्लाई करता हूँ। अच्छा 500 रुपए का एक इंडिकेटर है, तो ये 6 हो गए, कितने के हो गए? 3,000 के प्लस में 3,000 के। ठीक है। और ये स्वराज का वो है, 700-800 के लगभग ये होगा भाई। 700। और भाई क्या रह गया? ये चाबी बने नुकन ना पड़े पड़े ना बता दें कितने के होंगे। नहीं मतलब ये उसमें हो जाएगा मिट्टी हो रही है ना। ये चाबी पाने नए हैं, ये कील पुरानी है। 2,500 रुपये। 2,500 मतलब 2,500। 19,700 रुपया सामान बताओ भाई अनुज ने। ठीक है ये मैं बता दूं, जो स्टेयरिंग तने कितने बताया था? यो बताया था 1,500 रुपये का। जो स्टेयरिंग है 2,200 रुपये का। 2,200 में 2,500 रुपये का मैंने पहले कही थी। मैं डीपर कितने रुपया बताया था? डीपर बताया एक डीपर 1,400 रुपए का है। हाँ इसका एमआरपी देख कितना है? 1,300-1,400 रुपया एमआरपी इस पे। एक 1,300 एमआरपी है। और फार्म ट्रैक की एजेंसी में ये डीपर 1,600 पता नहीं कितने रुपया मिला एक डीपर। एक डीपर और बाकी ठीक है। ये चीज तो तेने गलत बताई थी, बाकी और लगभग चीज तेने सही बताई। साइलेंसर भाई यू आया कितने बताया था? ना मैंने बताया था 2,000 रुपए का। 2,000 रुपए तक का। यू 1,000 रुपए का है। हाँ कितने बताया था? ना यू स्टेयरिंग बताया था 1,200 रुपए का। 1,200 रुपए का? नहीं नहीं तेने स्टेयरिंग बताया था 1,000 रुपए का। 1,000 का बताया था। हाँ 1,500 रुपए स्टेयरिंग। हाँ 1,400 रुपए का। हाँ मतलब ठीक है। यू पट्टा कितने बताया था? यू 3,000 रुपया बताया था। यू 700 रुपए का है। यू हाँ। और यू यू कितने बताया था? ना भाई सस्ते थे ये। ये 500 रुपया सामान है सारा। बहुत सस्ता हो बाकी फिर भी रुपये चौखे लग गए यार। मतलब तना मतलब इनमें थोड़े ज्यादा बता दिए। डीपर आ रहे 7-8 हज़ार रुपये डीपर आ रहे। ना वो चीज शुरू में सही बता दे सामान तेरा यो 15-20 हज़ार के बीच मारिया। हाँ 15-20 हज़ार रुपये आसपास सामान आ रहे।
तो फिलहाल सामान तो हमने देख लिया और रेट भी आप तो मैंने बता दिए, ये ट्रैक्टर पर इंस्टॉल करेंगे इसमें। फिलहाल सब राज पकड़ लिया डिपर इंस्टॉल, तो उसके लिए ड्रिल मशीन चौकी बर्मा चौगा ड्रिल मशीन खत्म की बात। और बताओ यार, मैं एक बात सोच रहा, फिलहाल तो इसमें साइड में डिपर है, मैं सोच रहा नहीं वो डिपर इस साइड आ जाए, यहाँ तक स्टार्टिंग और डिपर की, अरे आप मतलब इस साइड, यहाँ तक स्टार्टिंग यहाँ पैंट इस साइड आ जाए, तो शायद मेरे ख्याल से यह चीज़ ठीक रहोगी। इसके मरगाड़ थोड़े चौड़े हैं ना, इस वजह से जोंडियर के मरगाड़ छोटे हैं, इसके मरगाड़ चौड़े ज़्यादा है। और यार उस दिन पड़ भी गया था, मतलब पलट गया था ना, तो इसके मरगाड़ देखो ना, तो वेल्डिंग भी पैट सी रही थोड़ी सी, चोट चाट मारी थी मैंने इस वजह से, देखने खतर पता पापा ऊपर पता ना लगा, तो इस वजह से थोड़ा ह्यूमिड टूट गया यहाँ तक, और इस साइड तक भी ऐसा ही हो रहा। तो इन्हें थोड़े सीधे कर लें, और सीधे करने के बाद फिर थोड़ी सफाई करके और डिपर इंस्टॉल करेंगे इसमें। लुक आ रही, और डिपर लगने के बाद फिर देखेंगे कैसी लुक आओगी। तो फिलहाल एक बार अंदर तक मैं ड्रिल मशीन ले आऊँ, ड्रिल मशीन भी आएगी और ताली पन्ने भी आ गए फटाफट, तभी ना किसी देरी के ना वो डिपर खोल ला पहला, तो डिपर खोलने के बाद ना फिर बिट के लिए निशान लाऊंगे और फिर ड्रिल मशीन के लिए सुराख करेंगे। उतार दिए ये पड़े दो यारे, एक को पड़ा और ये एक बारी नस्पाई कर लो। वायरिंग भी यार काट देना, थोड़ी दिक्कत आओ वायरिंग का, इसमें अलग वायरिंग है और ये करेंगे ना उसकी फार्म ट्रैक की, शायद इसकी अलग पाओगी। आगे दे भी उतार दिए दोनों, देखो रे, और पीछे वाले भी उतार दिए, ये फटाफट तेने धो लै और धो के फिर लाऊंगा डिपर। सारा काम हमारा खत्म हो गया, स्पाई भी कर लिया हमने और निशान भी ला लिया जहाँ पे सुराख मारने, क्योंकि इनके सुराख आउट है जो फार्म ट्रैक में आई रेस्केडी पर आया ना, जूनियर में तो वैसे के वैसे आ जाए, इसमें नहीं आ रहे पता नहीं के चक्कर है। तो सबसे छोटे बर्मे के साथ हम सुराख करेंगे, एक तो भी बड़ा इसमें तो फिर ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, पहले छोटे गला करेंगे, अगर सेटिंग ना बैठे ना फिर बड़े गला कर लेंगे। जी करो लुक चेक आउट, पीछे की फिटिंग तो होगी, बाकी कमेंट करके जरूर बताइयो किसे लगे, और आगे की फिटिंग और कर लूं मैं, आगे और सुराख करने पड़े, पहले निशान लगाऊंगे और फिर सुराख करेंगे। पिछले डिपर तो भाई काम हो गया, और बीच में ना मैंने इसके एलईडी बल्ब जो है चेंज कर दिए थे, पहले ये सिंपल वाले बल्ब हैं, तो इसमें एलईडी बल्ब लगा दिए, उन तक क्या होगा मैं एक बार दिखाता हूँ आपका। जोंडियर में, स्वराज में और भी कई ट्रैक्टर में पीले कलर के बल्ब दिया गया कंपनी, और वो अच्छे से लगते, उसमें मतलब फीलिंग बढ़िया सी नहीं आती, और अगर हम उन्हें वाइट कर दें तो फिर लग्जरी सी फीलिंग आने लग जाए ट्रैक्टर चलाने आना। और डैशबोर्ड दिखाता हूँ ट्रैक्टर का, और फर्क आप देखना भी कितना लगा, रात में ज़्यादा लगेगा, दिन में थोड़ा कम लगेगा। देखो भाई मैं आपसे भी दिखाता हूँ, लुक चेक आउट कराऊंगा इसकी, येलो जगह कर दे पहला, ये वाइट जगह में ये करो चेक, पहला येलो शेड आ कर दी, वाइट शेड आवा और अच्छे तरीके से रात ने सही दिखेगी, रात ने एक्यूरेट पता लग जाएगा। और भी इसका स्टेयरिंग चेंज करेंगे, स्टेयरिंग में इसका तरले का था छोटा रेड कलर का, तो देखते हैं इसका, उसका स्टील वाला इसका पाया नहीं यार, स्पिनर वाला वो एक पीस रहा था वो ही मैं उठा कर आया, तो इसका स्टेयरिंग और खोल लें फिर देखेंगे कैसे क्या लुक आओगी इसकी। भाई हम इस स्टेयरिंग पर लगभग दो घंटे हो लिए, और तो कुछ होती नहीं, बाकी भगवान की कसम भाई हमने कती जी काट दिया इस पर, मेरे तो इतना छोट गया था इन तोड़ दूं, ये देखो ये ना थोड़े के निशान भी दिख रहे होंगे और पूरे का निशान, और यू मानस तीनू बोलिया भाई मैं इसने स्टेयरिंग ना काट दूंगा, काट दे भाई काट काट, नट भी उड़ी होगा तेरे पाए हम पड़े होगा टोले, ढूंढ ले ढूंढ ले ला उरी पाओगा बाबा की दया है, या वर्सल रही बाबा की दया है, वर्सल ला ले और नटर ना ला ले, दो जने ने भाई नुको मैं खोल दूंगा रसगुल्ले मेरे कहता है चाल खुलवा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो कहता है चाल खुलवा, कितने रसगुल्ले को आओगा पाइए वो तेरे किलो से छकाई के बोल दे छकाई के, हाँ ठीक है आ जाओ
आज एक ट्रॉफी भी ले आओ भाई, इस खतर बेचारे खतर ट्रॉफी भी ले आओ, ले आओ ले आओ ना बिट जगा उसके लिए कोटी के लिए बैठ ले। सोनू का टाइम शुरू होता अब, जब जब बैठता ना, जब बताया दिया मैं आ जाऊँ देखने, ठीक है मैं इतना वीडियो एडिट कर लूँ अपने, बैठ ले उसके लिए बैठ ले, उसके लिए बैठ ले, दूर हो जा तेरे बन चढ़ नहीं रहा तू, क्या गुंडा बनेगा रे तू, दूर हो जा। कल जो काम हमने तो छोटे थे आज उन्हें पूरे कर लाया, रात हो गई थी यार, फिर हमने काम छोड़ दिया, मच्छर मुच्छर बहुत ज्यादा लग रहा मैं रे घर में यार, पता नहीं क्या चक्कर था, रेट आएंगे सारे रेट देंगे। तो दो डिपरियां लाए थे, आगे वाले डिपर रह गए थे क्योंकि भाई उनके जो नट बोल्ट है ना उनके साइज ज्यादा बड़े हैं। मैं दिखाऊं एक बार, यो रहा डिपर निकल भाई बाहर, देखो इसका साइज देखो बोल्ट का देखो, तो इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, जो टायर मट जाओ तो उस टाइम पर मर दो ग्राइंडर भी धरा दी, बहुत ज्यादा हो गई थी, तो भी पहले दिन काटेंगे और फिर फिट करेंगे स्टेयरिंग। रात ने सोनू ने खोल दिया, मेरे पता खुलिया नहीं यार, स्टेयरिंग खोल रखा इसका, ए जो खोल रखा, और अगे वाले डिपर आगे सुराख मारने रह रहे और स्टेयरिंग चढ़ाना रह रहा, पहला स्टेयरिंग चढ़ा लें या पहले ही चढ़ावें, चलो देखते हैं जैसा भी रहूँगा, फिलहाल मैं कल आऊँ जब तक काम कर लूँ, फिर कोई ना कोई मेरी हेल्प करना है तो ऑटोमेटिक कोई ना कोई आ जाओगा। हमने डिसीजन ले लिया था जो स्टेयरिंग चेंज करेंगे, और इसमें इतनी बेकार फिटिंग नगर के दे रखी, जो यो वाला है इसका ठीक है, यो फिट नहीं आया तो यो ग्राइंडर के लिए फिट करा, मैंने वीडियो बनाई क्योंकि मैं कर रहा था, और ये जो ये नट दे रखे ना नहीं है ये लंबे दे रखे ठीक है, ये इतने इतने काटने पड़ेंगे या फिटिंग है इनकी यार, देख लो भाई जो भी सामान ले ना पूरा चेक करके लिया करो यार, जितनी बार भी लेगा ना सारी बार इतनी गंदी फिटिंग आवे होती है नहीं, सारी की सारी फिटिंग खुद करनी पड़े, और फिटिंग करना में हमारी हालत खस्ता हो लगती, तो कोई नहीं करनी पड़ेगी भाई करते हैं। लो जी अब करो लुक चेकआउट यार, लैग तो होगा स्टीयरिंग नट सारे सारे मैंने इतने छोटे काट दिए, कटे हुए थे बड़े पड़े पड़े मतलब ज्यादा छोटे काट दे, इतने छोटे काटने नहीं थे तो फिर इसकी वजह से उतारना पड़ा यार, बाकी इतनी घटिया क्वालिटी है जिसने भी इसका यू अब बना रखा ठीक है, फिटिंग नहीं बैठ रही यार, चूड़ी नहीं ढंग से काट रखी, ये नट भी ढंग के नहीं है, लोकल है मतलब एल्किन मतलब स्लिप हो बार बार, बस यार इसका जुगाड़ खुद बनाना पड़ेगा, और पहला तो इसके सुराख चौड़े करे, उसकी चूड़िया या मैं थोड़ा या ड्रिल मशीन के लो कर, और ये निकालना पड़ा यो भी निकालना पड़ा, फिर कहीं जाकर जो फिटिंग हुई फिटिंग बस मैंने कर ली मैं, चल ताकि आप तो दिखा पाऊँ, वही टेम्परेरी है, पक्के तरीके से तो इसमें बाद में करनी पड़ेगी, रिक्शा साइलेंसर और चढ़ा लगी वाला। ये डीपर है, ये फ्रंट वाले डीपर है, एक बार ये और ला ला यार मैंने भूल गया था, तो एक बार इन पहला दिन ये नट ये काट लूँ छोटे कर लूँ इन्हें और फिर इंस्टॉल करूँगा इन्हें। जी करो चेक, अगले वाले डीपर भी हमने ला दिए, बाकी मेहनत तो बहुत लगी, दो घंटे लग गए मेरे ये डीपर इनकी वायरिंग करने में, वायरिंग देखो और तब चेक कर लो और तभी बैल और दिखा दे पर किसे बड़े हैं जिंदगी बन गई, जिंदगी बन गई इसकी तो। लो जी तो यो रिस्पॉन्स है, बाकी एक ना उरे को पीली तार थी वो मैंने ब्लैक कर दी, ऊपर कवर चढ़ा गया वो अलग ही दिखी थी, नहीं पौंदी थी अलग सी वीडियो में, फिलहाल ना कर दा बंद, और ई भी ना ट्रैक्टर ने फिर बाहर लेके जाऊंगे और फिर आप तो लुक चेकआउट कराऊंगे इसकी, तो फटाफट से चलो बाहर चलते हैं। तो देखो ट्रैक्टर हम बाहर लिया है, पिछले टायरों ने भी चेक करो और अगले टायरों ने भी चेक करो, बस इसका थोड़ा रंग पीला है, अगर इसका रंग ना क्रीम होता ना तो एक नंबर मजा आ जाता, डीपर देखो बाल रखे मैंने इस साइड का, देखो ट्रैक्टर यार गोना को सुता लाए रहा, अरे अच्छा जी कड़ली कट के जाओगी भाई खून की तेरे होएगी ये वो खागी ना दिक्कत हो जाएगी, तो बस यही लुक आप तो दिखाना चाहूँ था करीब मेरा तो मन इसमें मैन रहा भाई, मैं इसमें मोस्टर टायर डाल दूँ एक जी रैर जूनडियर में डाल दूँ, फिर वो ज़्यादा आगे तो नीचे हो जाएगा, दोनों हम डाल के देखेंगे, चल जून से भी अच्छा फिर उसमें रख लेंगे यार, एक नंबर कती मज़ा आएगा बाहर आएगा सिस्टम है होगा कती, ये अगले जो टायर लेकर आऊँगे ना उनमें भी पेंट भरेंगे ना फिर और देखिए कुछ सिस्टम हो जाएगा एक नंबर का,
ਡਿਊਪਰ ਵੀ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ ਕੀ ਬੋਲੂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਘਣੀ ਕਰਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਕੀ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿੱਕਤ ਕਰ ਜਾਗਾ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਖਰਾਬ ਖਰੂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਭਾਈ ਜੀ ਸਭੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਵਰਾਜ ਲਵਰਜ਼ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਬਤਾ ਦਿਓ ਬਾਈ ਟਰੈਕਟਰ ਕੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਸ ਸੁਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਜ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਮਿਲਤੇ ਕਲ ਔਰ ਇੱਕ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਸਾਥ ਕਲ ਤੱਕ ਕੇ ਲੀਏ ਬਾਏ ਬਾਏ ਟਾਟਾ ਸੀ ਯੂ